गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यासना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लाई हूँ, मटर वेज फ्राई। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पहले ऑन कर देंगे, उसके बाद कुकर को थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए ये मैं सब काट करके रख चुकी थी पहले ही। ये मटर, ये गाजर, ये शिमला मिर्च, ये प्याज, ये हरी मिर्च, ये टमाटर, ये आलू बॉईल किए हुए मैं फ्राई करके रख चुकी हूँ। और इधर मैंने चावल को वॉश करके आधा घंटा पहले ही छोड़ दिया था। हाफ के जी चावल है। और ये मेरा अदरक लहसुन और जीरा काली मिर्च का पेस्ट है, जो मैं पहले ही बना के रखी थी। कुकर ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल को गर्म होने दूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला और ये तेज पत्ता डाल दूंगी। ये लाल हो गया। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। उसके बाद ये शिमला मिर्च और ये गाजर और ये हरी मिर्च डालकर इसे 2 मिनट फ्राई होने दूंगी। इसे अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई होने दूंगी। यहां मैंने सोयाबीन को फ्राई करना है। अभी देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं सारे मटर को ऐड करूंगी। और मटर को भी साथ में फ्राई करूंगी। देखिए मटर भी फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी। और इसको थोड़ी देर के लिए भूनने दूंगी। टमाटर मेरा फ्राई सब हो गया है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए भूनने दूंगी। ये अदरक लहसुन काली मिर्च और जीरे की पेस्ट है। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। और तीखा आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना ही डालिएगा। और इसमें नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। और थोड़ा वाटर ऐड करिए। अब इसको सबको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दीजिए। वेज पुलाव बनाने का आज रीजन ये था कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस में तो कुछ खास खाना बनता है। क्रिसमस के दिन कुछ स्पेशल बनना चाहिए, तो इसीलिए मैं वेज पुलाव बना रही हूँ और आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा और घर से आप लोग भी ट्राई करिएगा इसी तरह से। देखिए मेरा मसाला पूरा भून चुका है। अब मैं इसमें ये आलू और ये सोयाबीन जो मैं पहले भिगो के रख चुकी थी इसको डाल करके 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी।
देख सकते हैं ये सब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालूंगी। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा चावल डालूंगी। चावल डाल के इसे 2-3 मिनट चलाऊंगी। चावल डालकर 2-3 मिनट इसको चला दूंगी। आप देख सकते हैं मेरा मसाला और ये जो सब्जी था सब अच्छे से फ्राई हो गया था। अब इसको मैं 2-3 बार चला करके वाटर ऐड करूंगी। अब ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब इसमें वाटर ऐड करूंगी। वाटर को आप क्वांटिटी में डालिएगा, नहीं तो फिर ये चावल ख़राब हो जाएंगे। जिस हिसाब से चावल लीजिएगा उतना ही पानी ऐड करिएगा। मैं उतना ही पानी ऐड की हूँ। इसमें वाटर ऐड कर चुकी हूँ। अब इसमें लीड लगा दूंगी कुकर की और ये सीटी निकाल दूंगी और इसे होने देती हूँ। चले अब देखती हूँ मैं अपनी बिरयानी कैसी पकी है। बहुत बढ़िया, थोड़ा देख लेती हूँ। हो गए हैं चावल, अच्छे से हो गए हैं। अब मैं ये गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ढक दूंगी। इसे देख के तो मुझे अब जोरों की भूख लग गई है, मैं तो चली खाने। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा रेसिपी और आप लोग भी अपने घर पे एक बार ट्राई करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक बाय बाय।